अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस टू का और इस टॉपिक के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कर रहे हैं एंड दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स और मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स में हम बोथ स्पर्म एज वेल एज ओवम की स्ट्रक्चर की ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द चेंजेस दैट इज टेक प्लेस इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द गैमेट्स ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द ओवम. यू रियली ऑब्जर्व कि हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग इलोंगेटेड एंड मोटाइल स्ट्रक्चर. यू रियली ऑब्जर्व कि सिंगल नॉर्मल सेल इज कन्वर्टेड इनटू अ बिग लार्जर ओवम ए लेसिथल एंड नॉन मोटाइल ओवम. तो ये दोनों भी दोनों तरह के जो चेंजेस आए हैं एक सिंगल सेल से वो कैसे आते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट चेंज हो जाते हैं और कौन से पार्ट उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्या नया बनता है उसके अंदर. तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. तो इसमें जो मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स है इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एंड दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन या फिर मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स. की स्पर्म जब मैच्योर होता है तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं. इससे पहले जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो मैंने आपको अप टू द मार्क बताया था कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म है वो कहां से होता है. जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड से फिर क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ बनता है. तो एक सिंगल गोल स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोन में कैसे कन्वर्ट होता है क्या क्या चेंजेस आते हैं उससे पहले थोड़ी सी हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्पर्म रियल में कैसा होता है फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटिड का कौन सा पार्ट किसमें चेंज होता है. क्लियर. तो ये वाले जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है ये है स्पर्मेटोजोन की स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन पार्ट दिखते हैं स्पर्म के. फर्स्ट है हेड पार्ट फिर नेक पार्ट और फिर है इसमें टेल पार्ट. क्लियर. तो इसका जो हेड पार्ट है उसमें क्या क्या होता है. हेड पार्ट में बेसिकली दो ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा. फर्स्ट इसमें है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस. एक्रोसोम पार्ट क्या है और एक्रोसोम पार्ट के अंदर क्या होता है. एक्रोसोम पार्ट जो होता है वो स्पर्म की अपर टिप जो होती है उसको एक्रोसोम बोलते हैं और एक्रोसोम के अंदर होते हैं स्पर्म लाइजिन एंजाइम. द एक्रोसोम कंटेन स्पर्म लाइजिन एंजाइम एंड दी स्पर्म लाइजिन एंजाइम आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम एंड दैट इज एन हाई यूरिनेज एंजाइम. दिस हाई यूरिनेज एंजाइम हेल्प टू पर्क्स द जोना पेरिसिडा ऑफ द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू प्रोन्यूक्लियस. क्लियर. उसके बाद में हेड पार्ट में होता है न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मेटीरियल. जेनेटिक मेटीरियल एंड दिस जेनेटिक मेटीरियल इज ऑफ हैप्लोइड डीएनए. इसके अंदर हैप्लोइड क्रोमोसोम सेट की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है जो जाकर के फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा सेकेंडरी ओसाइट से एंड आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट. ओके. तो आपको एक्रोसोम दिख रहा है एंड एक्रोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू टेल रीजन तक होती है. उसके बाद में हमने सेकंड हेड पार्ट का सेकंड पोर्शन पढ़ा है एंड दैट इज द न्यूक्लियस. क्लियर. उसके बाद में हम आते हैं अब आप ये देख रहे हो कि इसके अपर पार्ट पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे लेयरिंग अलग होती है और पोस्ट एक्रोसोम शीथ अलग होती है और उस पोस्ट एक्रोसोम शीथ को मेंचीट बोलते हैं एंड दिस मेंचीट एरिया शो दैट इट इज द ओनली पार्ट दैट इज रिमेन आउटसाइड द जोना इज नॉट एंटर्ड इनटू द फीमेल. हालांकि एंटर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होती लेकिन इट कंप्लीटली डाइवर्स एंड इट कंप्लीटली पुश अप द मेटीरियल टुवर्ड द सेकेंडरी ओसाइट ऑफ द ओवम. ओके. So, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो पोस्ट एक्रोसोम में मेंचीट एरिया ये एज इट इज रहने वाला है. इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता और मेंचीट के नीचे वाला जो एरिया है उसमें सेल्स एंड क्रोमोसोम में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके. उसके बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके नीचे दैट इज द मिडिल पीस एरिया. और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडिल पीस के अंदर क्या मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलता है. तो यू आर वेल सेटल्ड कि मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और स्टार्टिंग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है लेकिन जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो
माइटोकॉन्ड्रिया एक्सल फिलामेंट के अराउंड स्पाइरल शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर मोटाइल स्पर्म एंड इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म अप टू द 72 आवर्स, क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर जो स्पर्म है वो लगभग 72 आवर्स तक लाइव रहता है. क्लियर? तो मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड इट इज रैप्ड अराउंड द एक्सिल फिलामेंट. मिडिल पीस में एक रिंग सेंट्रियोल भी होता है एंड रिंग सेंट्रियोल को जो है वो उसको हम एनुलस बोलते हैं. रिंग सेंट्रियोल की वजह से ही जो स्पर्म है वो अपने एक्सिस पे अपने एक्सिस पोलैरिटी के ऊपर रोल करता है. क्लियर? तो यहाँ पे आप दो तरह के सेंट्रियोल देख रहे हो. पहला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से नीचे स्टार्ट होता है डिस्टल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल से फिलामेंट कंप्लीटली या फ्लैगेलम कंप्लीटली किसके अंदर चला जाता है? टेल रीजन के अंदर चला जाता है. एंड दिस फ्लैगेलम इज ऑफ 9+2 इन अरेंजमेंट एज दैट ऑफ द यूकैरियोट फ्लैगेला. ओके, उसके बाद में आप टेल रीजन पे देख रहे हो. टेल रीजन में जो है वो क्या होता है? ओनली एंड ओनली एक्सियल फिलामेंट होता है और एक्सियल फिलामेंट के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और कुछ नहीं होता. एंड दिस टेल रीजन इज अप टू द लोअर देन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोन. ओके, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब स्पर्मेटिड एक राउंड स्ट्रक्चर एक लॉन्ग इलोंगेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं? पहले तो आती है शेप ऑफ द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस जो राउंड स्ट्रक्चर होती है वो धीरे 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 होकर के इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट. दूसरा आता है इसके अंदर जो गोल्गी एपरेटस है वो गोल्जी एपरेटस अपने आप को एक्रोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और अपने अंदर मटेरियल को सिक्रेट करके स्पर्म लाइजिन एंजाइम को स्टोर कर लेता है. क्लियर? उसके बाद में जो नेक्स्ट चेंज आते हैं वो सेंट्रोसोम के अंदर आते हैं, सेंट्रियोल के अंदर आते हैं. और ये जो दो गोल गोल सेंट्रियोल है इट गिव राइज टू द टू टाइप ऑफ द सेंट्रियोल. वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड सेकेंड इज द डिस्टल सेंट्रियोल. ओके, तो ये चेंज थे आपके. इसके अलावा अगर मैं और बताऊं साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है स्पर्म के अंदर वो घट जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है फ्रॉम एक्रोसोम टू द टेल रीजन. इसके अलावा रिंग सेंट्रियोल नया तरह से बन जाता है जो ऑलरेडी स्पर्मेटिड के अंदर नहीं होता, लेकिन रियल में रिंग सेंट्रियोल का अभी तक कोई फंक्शन साइंटिस्ट को जस्ट एंड एग्जैक्टली पता नहीं है. लेकिन ऐसा बता रहे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग सेंट्रियोल जो पोलैरिटी मूवमेंट होती है अपने एक्सिस पे मूवमेंट होती है स्पर्म की वो रिंग सेंट्रियोल की वजह से होती है. और इसके अलावा जो एक्सियल फिलामेंट है एक्सियल फिलामेंट इलोंगेट होकर के इस माइटोकॉन्ड्रिया उसके अराउंड स्पाइरल हो जाते हैं. तो ये चेंजेस आते हैं फ्रॉम द स्पर्मेटिड टू द स्पर्मेटोजोन. ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं ओवम के ऊपर. तो ओवम में भी हम ये देखने वाले एक सिंगल राउंड स्ट्रक्चर जो है जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट निकला है उसमें इसमें क्या है चेंजेस आते हैं और वो एक छोटी सी सिंपल राउंड स्ट्रक्चर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हो जाती है. तो दिस ओवम स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस करते हैं. यू रियली ऑब्जर्व कि जो ओवम है एक बड़ा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू द स्पर्म एंड इट इज एलासिटल इन नेचर एंड इट इज नॉन मोटाइल. ओके, सो दिस ओवम कंटेन आउटर मोस्ट इसमें पेरिफेरल सेल शिप की होती है जिनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटर सेल्स एंड दिस कोरोना रेडिएटर सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनवांटेड स्पर्म आल्सो एंड इट हेल्प टू सीक्रेट द ए स्पेशल टाइप ऑफ द लेयर अराउंड दिस. दिस इज नोन एज अ जोना पेरिसिटा. जोना पेरिसिटा इज ऑब्वियसली सीक्रेटेड बाय द कोरोना रेडिएटर सेल्स दैट इज सराउंडेड अराउंड द ओवम. ओके, जोना पेरिसिटा के नीचे एक स्पेस दिखता है हमें और उस स्पेस को हम बोलते हैं प्री विटिलाइन स्पेस. और इस प्री विटिलाइन स्पेस के अंदर दो पोलर बॉडीज होती है और जिस साइड पोलर बॉडीज होती है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड दिस इज द साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. और इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हम वेजिटल बोल बोलते हैं. इसके अलावा जो नीचे देख रहे हो आप इसमें इसमें ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देख. इसके जस्ट नीचे बहुत सारे प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड दीज आर नोन एज द कोरोना ग्रेन्यूल्स एंड दीज कोरोना ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट द पोली एम्यूनी या पोली फर्टिलाइजेशन या पोली स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट करते हैं. जैसे ही एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है जहां से स्पर्म से मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर करता है
कोरोना जो ग्रेन्यूल्स हैं ये अपोजिट साइड पे जाकर के चिपक जाते हैं और दूसरे किसी साइड से स्पर्म के मेल प्रोन्यूक्लियस ना एंटर कर जाए तो उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा इसका अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल बोल देते हैं, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ऊप्लाज्म बोलते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी वेल डेवलप होता है। और ह्यूमन बीइंग के जो एग्स होते हैं वो एलेसिकल होते हैं, दे कंटेन वेरी माइन्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द योक्स, इसीलिए ऑलमोस्ट एलेसिकल बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा एम्फीबियन एंड फिशेस के जो एग्स होते हैं उनके अंदर योक सैक मिलता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ओवम। तो ओवम जब डेवलप होता है सिंपल सेल से तो उसमें क्या क्या चेंज होता है, उसका न्यूक्लियर सैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना अमाउंट बनाना होता है, इतना प्रोटीन बनाना होता है कि ताकि व्हेन 64 सेल स्ट्रक्चर क्लीवेज होती है तब तक उसके अंदर फूड रिजर्वोयर रहे, उसके अंदर फूड की कमी ना आए। उसके नेक्स्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस का बनना और न्यूक्लियोलस का अपने साइज में बड़ा हो जाना। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंज, ये तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के चेंज थे। अब साइटोप्लाज्म में देखते हैं कि जो ओवम होता है उसके अंदर गॉल्जी बॉडीज का कोई काम नहीं होता, गॉल्जी बॉडीज जो होती है वो उनकी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दी इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन पहले वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं फॉर द फर्दर क्लीवेज रिएक्शन। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम की जगह होल रह जाते हैं। ओके, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो पोली एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। ओके, एंड जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के वो बने हुए होते हैं। एंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ योक सैक एंड दैट इज नोन एज द वेटलोजेनेसिस। वेटलोजेनेसिस इज स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ द योक सैक इन द ओवम। बिफोर दैट यू ऑल अवेयर दैट ह्यूमन हैविंग द एलेसिकल एग्स तो इनके अंदर इतना ज्यादा योक सैक नहीं बनता। नॉर्मली जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो फीमेल है फीमेल के लिवर के अंदर योक सैक बनता है, वो वहां से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए जाकर के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनसे ही हेल्प की वजह से वो ओवम के अंदर एंटर करता है। लेकिन फिशेज और एम्फीबियंस के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर योक सैक बनता है, तो ये स्पेशल पॉइंट्स है ये याद रखिएगा। ओके, तो वाइटोजेनेसिस एक यूनिक कैरेक्टर है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। क्लियर विद, तो इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट स्पर्म की स्ट्रक्चर और ओवम की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया है एंड वो पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं जो रियली आपको डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ए सिंगल सिंपल सेल इनटू द ए लॉन्ग मोटाइल स्पर्म एज वेल एज द नॉन मोटाइल लार्ज एंड लेसिकल ओवम। क्लियर भाई, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।